हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज मैं आपको अपने स्नैक प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए कितना ही बढ़िया, मैंने जब लगाया था तो एक सिंगल प्लांट था, ये मदर प्लांट है इसका। और उसके साथ देखिए अब इसमें कितने सारे नए नए बड्स निकल रहे हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे से नए बड्स निकल रहे हैं। और अभी तो मैंने इसे प्रॉपर धूप में ही रख रखा है, हालांकि ये एक इंडोर प्लांट है और आसानी से आपके शेडी एरिया में, कमरों में ग्रोथ कर सकता है। लेकिन अभी तो मैंने इसे छत पे ही रख रखा है, तो इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है और नए नए जो प्लांट्स हैं वो बन रहे हैं। तो मैं इसको अलग करके अब इसको एक इंडोर प्लांट के रूप में डेवलप करूँगी और आगे वीडियो में भी दिखाऊंगी मैं आपको, जो अगली वीडियो बनाऊंगी तो उसमें कैसे मैं इसको इसमें से निकाल के और दूसरे प्लांट में रिपोर्ट करूंगी। तो बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट होता है ये और एयर प्योरीफायर की तरह काम करता है, सब लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। अगर आप इसे अपने इंडोर प्लांट के रूप में रखते हैं, जगह नहीं है आपके पास, धूप नहीं आती है घर में, तो भी आप इसे प्रॉपर तरीके से उगा सकते हैं। और रात में तो बहुत ही अच्छा अपने आपके कमरे की वायु को शुद्ध करेगा। और दो तीन प्लांट आप लगाइए तो ही बहुत ही अच्छा रहेगा, ग्रीनरी भी प्रॉपर देता है और बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर जब आप इसे इंडोर में रखते हैं तो इसमें पानी का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए। अभी मैंने इसे छत पर रखा है तो देखिए इसमें पानी में, और गर्मियाँ भी बहुत पड़ रही है तो इसमें पानी मैं भरपूर मात्रा में दे रही हूँ। लेकिन अगर आप इसे इंडोर के रूप में रखते हैं तो मिट्टी सूखने के बाद ही इसमें पानी डालिएगा। और देखिए इसमें खाद वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैंने जो हमारी पत्तियों से तैयार खाद थी उन्हीं में मैंने इसे प्रोपागेट किया था, तो बहुत अच्छे से अब ग्रोथ हो रहा है। सर्दियों में हालांकि इनकी ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन गर्मियाँ जैसे ही आती हैं, एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए ही होता है हर प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। तो जैसे ही इसे प्रॉपर टेम्परेचर मिला और इसमें देखिए कितने सारे नए नए बड्स निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।